आज शामिल हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नैशनल स्पोक्सपर्सन श्री आलोक शर्मा जी, जिन्हों आप रोज़ ही सारे ही नैशनल टैलीविजन के उत्ते लगातार देखते सुनते आ रहे हैं। अज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़ा विषय है जिस संबंध में कल पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह नागा मंडी की अगुवाई एक बहुत बड़ा धरना कल प्रदर्शन किया गया सी, जिसकी कवरेज तुसीं बड़े सच्चे ढंग नाल कीती, तुहाडा उस चीज़ की बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय है जिहड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है 31 लाख करोड़ रुपए का जिहड़ा एक महाघोटाला होया उहदे संबंध में। इन्हीं जिन्हें भी सारी विस्तारपूर्वक जी चर्चा है वो प्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम राही सरकार श्री आलोक शर्मा जी करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साढ़े पंजाब के जी पंचायती राज संगठन है साढ़ा वो चेयरमैन गगनदीप सिंह बॉबी जी मौजूद ने, नाल ही श्री अमित बाबा सैनी साहब जिहड़े पंजाब कांग्रेस के बुलारे भी ने और हरियाणा कांग्रेस की उन्होंने हमने जी विधानसभा एज अ कोआर्डीनेटर की जिम्मेवारी भी मिली है, जिहड़ी टीम के हरियाणा के बॉस चीफ जिहड़े ने वो श्री आलोक शर्मा जी ने, नाल ही साडे अमन सिंगला जी और समुची साडी टीम जिहड़ी है तुहाडा सारिआं दा स्वागत करती है इलैक्ट्रॉनिक प्रेस ते वैब मीडिया दा जिहड़ा तुसीं अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं कवर करन आए हो। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭੀ ਮੇਰੇ ਮੰਚ ਪਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਥੀ और मेरे बहुत ही अजीज सभी पत्रकार बंधु जो आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, सभी का धन्यवाद। तत्पश्चात में इस पंजाब की महान भूमि, गुरुओं की भूमि, वीरों की भूमि, शहादत की भूमि, स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष अपना योगदान देने वाली भूमि, इस पंजाब की पवित्र भूमि को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। देखिए साथियों, आज का जो विषय हम और आप डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हमारे बीच में अर्श जी भी आ गए हैं। बहुत ही गंभीर विषय है हमारे बीच में कि पिछले 10 वर्षों में हमारे दो की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसने किस तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति जो विश्व में 600 नंबर से भी ज़्यादा रैंकिंग पर था 2014 में, वो कैसे विश्व में सबसे धनाढ़ लोगों में दूसरे नंबर पर पहुंचा और उसमें पूरी एक सोची समझी साजिश केंद्र सरकार की रही, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हाथ रहा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पहले भी एक आई थी जिसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आई थी और किस तरह से तमाम चीजों का खुलासा हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने तत्वाधान में जांच के लिए सेबी को जांच के लिए कहा कि भाई आप जांच करें ये पूरी रिपोर्ट में क्या क्या है, और सेबी ने माना भी कि 24 फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हैं उस पर हम जांच कर रहे हैं। 13 बेनामी जांच की जो कंपनियां थी वो भी दायरे में थी जांच के, और पूरी तरह से मामला क्रिस्टल क्लियर था कि किस तरह से तमाम कंपनियों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से डराया और धमकाया गया। उसमें से दो कंपनियां आपकी मीडिया के साथियों की भी थी, आपने एनडीटीवी का देखा था क्या हाल हुआ था, उसके बाद द क्विंट का भी क्या रहा। आज एनडीटीवी हो, क्विंट हो,
NDTV में भी दो तिहाई से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो अडानी के हैं, और द क्विंट में भी लगभग आधे शेयर अडानी के हैं। तो मीडिया को किस तरह से दबाया जाए वो पहला कुछ सिर्फ प्रयास हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये बात यहीं तक केवल नहीं रुक जाती है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें तो किस तरह से तमाम जो कंपनियां रही हैं उनको किस तरह से A1 के माध्यम से, A1 आप समझ ही रहे हैं अडानी वन, A1 के माध्यम से किस तरह से बेनिफिट पहुंचाया गया, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी अब छोटी होती चली जा रही है। आपको याद होगा कि NDTV का मैंने जैसे बताया 2017 में रेड हुई, और आज मार्च 2023 के अगर आंकड़े हम देखें तो 2/3 से ज़्यादा शेयर जो हैं अडानी के वो NDTV के अडानी के पास हैं। इसी में अगर जितनी भी हम सीमेंट की कंपनियां देखते हैं, वो चाहे ACC के रहे हों, अंबुजा रहे हों, सब कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं रेट डलती है। रेट डल के उनके तमाम शेयर्स को अडानी को औने पौने सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। सीमेंट कंपनी हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स में भी यही हालत है। GVK ग्रुप जिनके पास मुंबई एयरपोर्ट का परिचालन था उनके ऊपर रेट डलती है ED की, और फिर कुछ दिन के बाद मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी के पास आ जाता है। ये प्रयोग है, संयोग है, लेकिन ये देश के लिए इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंदरगाह हो और चाहे वो हवाई अड्डा हो, अगर सारा कंट्रोल एक ही आदमी का हो जाएगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि लगभग 60% कार्गो का संचालन अगर एक ही व्यक्ति करता है, वो कल को हाथ खड़ा करके चला जाता है, भगवान ना करे कहीं ड्रग माफिया या स्मगलर्स कहीं इस तरह की चीज़ों का कोई दुरुपयोग ना करें। आज शेयर्स किसी के पास हैं प्राइवेट कंपनी के, कल को वो शेयर्स किसी और के पास भी जा सकते हैं, वो कंपनियां खरीदी जा सकती हैं, वो कंपनियां बेची जा सकती हैं। तो ये बड़ा ही एक चिंता का विषय है कि जिन बंदरगाहों को, जिन सड़कों को, जिन हवाई अड्डों को हमारे आपके, हमारे पूर्वजों के, हमारे माता पिता के, टैक्स पेयर्स के पैसे से हमने बनाया, उनको सबको औने पौने दामों में ED CBI के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से आप उनको एक ही व्यक्ति को देते चले जा रहे हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि ये रुक जाता है, ये सिलसिला देश के बाहर भी जाता है। अब जब मैंने कहा अभी अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अगर सारी सीमेंट की कंपनियों पर कब्जा मेजर कंपनियों पर एक ही व्यक्ति का हो जाएगा, सीमेंट के दाम को 10 रुपये 20 रुपये जब मर्जी बढ़ाएगा। और ये देखने को भी मिला है कि लोगों के परिवार में शादियां होती हैं और डाटा का रेट जो है, मोबाइल के डाटा का रेट बढ़ जाता है। आखिरकार पे कौन करता है इन सब चीज़ों की, इनको पे करने वाला जो है वो आम जनता है, वो हमारा हिंदुस्तान का एक आम नागरिक। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मोनोपोली को इंदिरा गांधी जी ने 1969 में ख़त्म करने का प्रण लिया कि बड़े बड़े धनाढ़य लोगों का तमाम संसाधनों पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने उसके विपरीत उस चीज़ को बढ़ाया। अभी ये चीज़ें लिस्ट जो है वो तो यहीं की, पिछली बार जब अडानी पार्ट वन हुआ था, जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद देखा गया कि अडानी का शेयर डूब रहा था, लेकिन तमाम सरकार की कंपनियां, सरकारी कंपनियां जिसमें खास तौर पर एक बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, और LIC, इन दोनों का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में अडानी के शेयर्स में, अडानी के प्रोजेक्ट्स में लगाया गया ताकि अडानी को जीवनदान मिले। वो किसके इशारे पर हुआ आज तक नहीं पता चला, और यही तमाम बेसिक सवाल थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर पूछा कि जो 20,000 करोड़ रुपया है ये किसका है,
ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, इसके मालिक कौन हैं? ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 5 एम्प्लॉई 6 एम्प्लॉई हैं, और वो कंपनियां अडानी के यहाँ पर और बाकी शेयर मार्केट में बहुत मोटा पैसा लगाती हैं। क्या करती हैं उनका नहीं पता है कंपनियों का, उनका मूल व्यापार क्या है, मेन बिजनेस क्या है, वो किसी को नहीं पता। बट वो पैसा वहाँ से, जो टैक्स हेवन है वहाँ से पैसा आता है, हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट को एक गुब्बारे की तरह, एक बबल की तरह उछाला जाता है, और ये पूरा नेक्सस नजर आता है। चुनाव से 3 दिन, रिजल्ट आने से 3 दिन 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री और तमाम मंत्री कहते हैं शेयर खरीद लो, शेयर मार्केट में उछाल आएगा, दुनिया शेयर खरीदती है, और 4 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो कई लाख करोड़ रुपए का जो घाटा होता है वो एक आम आदमी उस घाटे को बियर करता है। इस तरह की चीज़ें पहले भी रही, शेयर मार्केट में हर्षद मेहता वाला कांड और तमाम चीज़ें रही पहले। इसी चीज़ को देखते हुए एक संस्था बनी जिसका नाम सेबी था, कि भाई आप एक्सचेंज को रेगुलेट करें, वहाँ पर कोई अनियमितता ना हो, गरीब लोगों का पैसा ना डूब जाए, कोई गलत पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट ना हो जाए। आज हालत यह है कि अडानी और उसके भाई जो हैं वो चाइनीज लोगों के साथ मिलकर कंपनियां चलाते हैं, उनका पैसा यहाँ पर लगता है, और ये सिलसिला जो है अडानी वाला, ये केवल देश तक सीमित नहीं कि केवल देश के संसाधन दिए जा रहे हैं, आज विदेश नीति भी जो है आर्थिक आधार पर अगर देखें तो वो अडानी नीति हो गई। पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, मोदी जी अडानी को ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर जाते हैं, SBI की चेयरमैन भी वहीं बैठती है, एक ही टेबल पर कोयले की डील होती है, और बहुत महंगा कोयला जो है वो हिंदुस्तान में आता है, वहाँ से सस्ता चलता है, अडानी मुनाफा कमा के और हमारी राज्य सरकारों को बेचता है या बेचने का प्रयास करता है। कुछ राज्य सरकारें एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। तो विदेश नीति के मामले में भी पड़ोस के देश अगर देखें तो अडानी झारखंड में एक स्टील प्लांट लगाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे, और उसकी पावर जो है वो पूरी तरह से बांग्लादेश को बेचने का लाइसेंस भी सरकार जो है अडानी को देती है। और जैसे ही बांग्लादेश में क्राइसिस आता है तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो अपनी बिजली अब हिंदुस्तान में भी बेच सकते हैं। मोदी जी बड़े मेहरबान हैं उनके ऊपर। अब वो बहुत लोग तो उन्हीं के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग ही, कि ये पैसा अडानी अडानी का कुछ नहीं, अडानी तो केवल मुखौटा है, सारा पैसा बीजेपी का है, ये पैसा उनके मंत्रियों का है जो भ्रष्टाचार में कमाया है, ये पैसा नोटबंदी का है, उन्हीं के लोग आरोप लगाते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अडानी बराबर मोदी, मोदी बराबर अडानी, कि पैसा जो है वो मोदी जी का ही है, केवल अडानी मैनेजर है। तो अब इसी जांच को लेकर आप श्रीलंका जाते हैं तो आप कहते हैं कि साहब पोर्ट जो है अडानी को ही देना, आप इसराइल लेके जाते हैं उनको साथ तो आप स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का जो MOU है ड्रोन बनाने का और तमाम इक्विपमेंट्स बनाने का, जिनकी सप्लाई जो है वो नेवी और आर्मी को होनी है, अडानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, अपनी सरकारी जो उपक्रम है डिफेंस से जुड़े हुए उनको ना देकर एक ही व्यक्ति को धनाढ़य बनाने का और अपने कुछ मित्रों को धनाढ़य बनाने का एक सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। अभी एक नया प्रकरण पूरे देश ने देखा है, हिंडनबर्ग की एक दूसरी रिपोर्ट आई, और जैसे ही सरकार को पता चला कि रिपोर्ट आ रही है, कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, तो उन्होंने पार्लियामेंट को 3 दिन पहले स्थगित करके, तमाम बिल पेंडिंग थे, एजेंडा बना हुआ था संसद का, दोनों हाउसेस का, उस सब को साइड में रख के और अपने परम मित्र अडानी को बचाने के चक्कर में कि संसद में इसके ऊपर हंगामा होगा, बवाल होगा, आपने संसद को ही पहले बंद कर दिया। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजनीति का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, सब चीजों से जुड़ा हुआ विषय। अब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है और देश के उपराष्ट्रपति वहां कह रहे हैं कि हम जो है वो इस तरह के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करके
और हम डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, उपराष्ट्रपति हो चाहे स्पीकर हो, वो भी पूरी तरह से इस मामले के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई अगर हम डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरेड इंक्वायरी चल रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट भी फिर इस तरह की राजनीति कर रहा है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट भी डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये सब केवल और केवल अपने मित्र को बचाने के लिए काम किए गए। जब भी सवाल मीडिया में पूछा जाता है, अडानी कोई जवाब नहीं देते, वित्त मंत्रालय कोई जवाब नहीं देते, सेबी ऑफिशियली कोई जवाब नहीं देती, एक छोटा सा पत्र आता है तो उसमें नीचे सेबी का कौन अधिकारी है, किसकी स्टेटमेंट है, ये भी नहीं पता होता। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ जरूर देते हैं, माधवी बुच जिनका नाम है, जिनके ऊपर आज मूल आज हमने बात की आपसे, वित्त मंत्रालय बात नहीं करता, वो जो ईडी है वो शायद भजन भजन कीर्तन वीर्तन करने चला जाता है मंदिर में गुरुद्वारे में, जब सीधा सीधा पता है कि साइफन ऑफ मनी है और तमाम ऐसी कंपनियों में पैसा लगा है सेबी चीफ का, माधवी बुच का, जो कंपनियां स्वयं जांच के दायरे में, और वही माधवी बुच के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, वो कभी उनका कोई गवर्नमेंट सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं, वो किसी बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक की, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की चेयरमैन नहीं रही, कहीं पर कुछ नहीं रही, कहीं वो भी पता चला कि वो भी अडानी गैंग से निकल के आई है। माधवी भुज भी अडानी गैंग से आई, और जो इनके भाई हैं विनोद अडानी, उनकी कंपनी में उनके इन्वेस्टमेंट्स, जो अडानी पूरा प्रश्न चिन्ह के अंदर है, उन्हीं की कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट को भी वो पूरी तरह से तमाम तथ्यों को छुपाती, वो 3 करोड़ रुपया वहां से कंसल्टेंसी का भी तमाम कंपनियों से लेती रहती है, जबकि सेबी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी रूप में किसी भी कंपनी से किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं ले सकता। अब एक नया खुलासा हुआ कि साहब इन्होंने तो अडानी की कंपनियों में ही मोटा पैसा लगाया हुआ है, इन्होंने, इनके हस्बैंड ने, और सुप्रीम कोर्ट से बात छुपाई गई। ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। अगर आज कोई और देश होता तो इनके ऊपर FIR करके इनको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अगर उनको जेल में डालेंगे आप, उनके ऊपर FIR करेंगे, तो अडानी को दिक्कत हो, और अडानी को दिक्कत होगी तो मोदी जी को दिक्कत हो, इसलिए उनके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। जहां जो जांच 2 महीने में पूरी होनी थी वो 18 महीने खींच दी इन्होंने, क्योंकि धीरे 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 टाइम खेलिंग का एक फॉर्मूला है, कोई भी जांच अगर है तो उसको इतना लंबा खींच दो, 40-50-60 हज़ार पेज की रिपोर्ट बना दो, जज भी बेचारा पढ़ता पढ़ता उसके भाई रिटायरमेंट का टाइम सामने आ जाए। तो बड़ी चालाकी के साथ RSS और BJP ने अपने लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से हर जगह बैठा दिया है, और माधवी बुच जो है वो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि अभी कांग्रेस क्या डिमांड करती है इसमें। हमारी सीधी सीधी मांग है कि सबसे पहले तो माधवी बुच का इस्तीफा होना चाहिए, रिजिग्नेशन होना चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है कि वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार और तमाम जांच एजेंसियां माधवी बुच को क्यों बचाना चाहती, कौन से ऐसे राज। अब बात आती है कि भाई फिर जांच कौन करे, कि जो सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में जांच करता हुआ भी गड़बड़ करे, गबन करे, उस जांच एजेंसी पर हम भरोसा कैसे करें। सेबी लगभग 10 से 12 करोड़ इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, अगर वो सेबी ही गबन करने लग जाए, और सेबी ही चाहे कि तमाम इन्वेस्टर्स का पैसा भी किसी तरह से साइफन करके अडानी को दे दिया जाए, और अडानी उससे हमें जनता के पैसे से, जनता से ही वापस मुनाफा कमाए,
तो ये जो पूरा नेक्सस है सेबी का, अडानी का, माधवी बुच का, केंद्र सरकार का, अब ये नेक्सस कैसे टूटे, क्योंकि इन लोगों की खाल तो इतनी मजबूत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डर रहे हैं लोग, क्योंकि पूरा संरक्षण हम दो, हमारे दो का पूरा संरक्षण है। आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिमांड करती है कि इस मामले में जेपीसी बने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि जांच एजेंसी स्वयं जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई। इसका एक ही सीधा सीधा रास्ता है और वो है जेपीसी। माननीय खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी की मांग की, लेकिन दुर्भाग्य ये है इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई किसी भी तरह का उत्तर दे रहे हैं वो लोग। अब हम तीन सवाल इनसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल, जेपीसी कब बनेगी, जेपीसी बनाने में इतना डिले क्यों कर रही है। दूसरा सवाल, जब भी हम अडानी से सवाल पूछते हैं तो पूरी भाजपा को मिर्ची क्यों लगती है, पूरी भाजपा बाहें फैलाकर उछल उछल कर अडानी का बचाव करने के लिए क्यों उतर आती है, ये देश समझे कि एक व्यापारी के लिए सरकार घुटनों के बल क्यों चलने लगती है, ये देश को सोचना होगा। तीसरा हमारा विषय है कि अगर ये जो लाखों करोड़ रुपया लोगों का, करोड़ों लोगों का स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, कल को जांच आगे बढ़ती है और शेयर्स गिरते हैं या नुकसान होता है, मुझे बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, वित्त मंत्रालय लेगा, सेबी लेगा, मोदी जी स्वयं लेंगे या उनके मित्र व्यापारी अडानी लेंगे। मूल सवाल यह है कि सेबी में इतने बड़े घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद ये केंद्र सरकार अडानी को क्यों बचाना चाहती है। हमारी पुरजोर तरीके से डिमांड है जेपीसी बने, तुरंत जेपीसी बने और जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी मुद्दे पर कल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में भी किया और पंजाब के साथियों ने बहुत जोर से किया, आप लोगों ने कल अच्छी कवरेज के साथ उसको दिखाया भी। ये राजनीति का विषय नहीं है मित्रों, ये देश का विषय है, देश को बेचने का विषय है, कि देश के संसाधनों को बेचने का विषय है। अगर आप और हम मिलकर इस आवाज़ को आज नहीं उठाएंगे तो कल को ये देश के लिए एक नासूर बन जाएगा और उसके लिए बाद में फिर हम कहेंगे कि बहुत लेट हो गए। आपसे उम्मीद है कि आप इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। अब आपके तमाम प्रश्न जो हैं वो सादर आमंत्रित। देखिए जेपीसी अगर जो ये महा अडानी मेगा जो अडानी स्कैम हुआ है इस पर जेपीसी बनती है, जेपीसी जांच एजेंसी के नाम पर सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म, जेपीसी देश के प्रधानमंत्री को भी बुला सकती, जेपीसी किसी भी रूप में किसी भी मंत्री को, सेबी चीफ को, सबको वहां पर अपने यहां पर बुला सकती। और बीजेपी इसी बात से डरती है कि जेपीसी अगर मोदी जी को बुलाएगी, वित्त मंत्री को बुलाएगी कि भाई आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, मोदी जी की सरकार उसी दिन गिर जाएगी, जवाब देना भारी हो जाएगा, संगी साथी लोग छोड़ जाएंगे, जो आज बीजेपी के अंदर 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 जो ज्वालामुखी फट रहा है मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ, वो लावा बाहर आ जाएगा। इसलिए बीजेपी हमेशा जेपीसी से डरती है, क्योंकि बाकी जांच एजेंसियां तो इनकी मुट्ठी में है, जिस तरह से कठपुतली की तरह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम कर रहा है, किसान आंदोलन हो तो किसानों के यहां भेज दो, महाराष्ट्र की सरकार गिरानी हो तो इनकम टैक्स के नोटिस भेज दो, कंपनियां खरीदनी हो, संसाधन खरीदने हो तो ईडी के नोटिस भिजवा दो, और पैसा उगाही करना हो
तो ईडी सीबीआई के नोटिस भिजवा के केस रजिस्टर करो, अकाउंट में पैसे लो मोटे मोटे और फिर उन केसेस को खत्म कर दो। तो ये जो उगाही का धंधा है ये सब उजागर हो जाएगा अगर अनानी की एक बार जांच शुरू होगी तो। एक एयरपोर्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे पोर्ट, पोर्ट से बैंक, बैंक से LIC, LIC के चीफ को बुलाया जाएगा, भाई किसके कहने से तुमने अनानी जब डूब रहा था तो पैसा क्यों लगाया तुमने। ये परतें जब खुलेंगी और JPC टाइम बाउंड करे, 6 महीने में 8 महीने में पूरी जांच को करें, हम ये भी चाहेंगे। इस डर से ही ये सरकार भाग रही है। और तो अब देखिए संसद में नाम नहीं लेने दिया गया तो अडानी है A1 शायद और अंबानी है A2, मीडिया के साथियों को मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। देश को कैसे नुकसान होगा, फिर तो सारे घोटालों की जांच बंद कर देनी चाहिए, किसी भी घोटाले की जांच ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी देश का नुकसान कर रहा है, इसका मतलब जो जांच करा रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं वो बोल रहे हैं कि कैसे जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके मन में भी, जो अभी इन्वेस्टर है तो उनके मन में भी डर का माहौल पैदा होगा, तो उसके बाद जो मार्केट है वो डम जाएगी और आर्थिकता पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो मार्केट को क्या दो लोगों के हाथ में देखे उसको गुब्बारे की तरह फुलाया जाना चाहिए? क्या मार्केट में गबन हो और सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कहे तो विपक्ष क्या वजन करेगा? अगर कल को अडानी देश छोड़कर भाग गया और करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा कहां जाएगा, क्या बीजेपी के वो तमाम चिरकुट प्रवक्ता बताएंगे कि फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम तो पूछ रहे हैं। सेबी का मूल उद्देश्य यह है कि आप इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करेंगे। एक फर्जी कंपनी आई, मॉरिशस में जन्म हुआ, करोड़ों रुपया किसका है पता ही नहीं, हजारों करोड़ रुपया, और उस पैसे से हमारी मार्केट आगे बढ़ रही है, एम्प्लॉय है नहीं, कल को वो पैसा साइफन करके अगर ले गए तो क्या बीजेपी अपने घर से पैसा देगी? हम तो जो बात कर रहे हैं तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। आज हस्बैंड वाइफ दोनों कह रहे हैं कि हाँ हमने पैसा लगाया था अडानी की कंपनियों में, बीजेपी बचाने पर लगी हुई। वो हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं माधवी पूछ कि आप हमारी जांच करेंगे, हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार भाग रही है कि हम जांच नहीं करेंगे क्योंकि जांच होगी तो सब फंसेंगे। देखिए अगर उनके माध्यम से कर रखा है तो उसकी भी जांच करो, अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो हम कब कह रहे हैं कि उनकी जांच मत करो, उनकी भी जांच करो, उनको भी कटघरे में खड़ा करो, किसी ने रोका थोड़ी ना, सारी जांच एजेंसियां आपकी हैं। मान लो अगर उसने भी गलत किया, मैं कह रहा हूं अगर हिंडनबर्ग भी गलत कर रहा है उसको भी कटघरे में खड़ा करो ना, जो सरकार की जांच एजेंसियों की पावर है उसके खिलाफ भी यूज करो। हिंडनबर्ग के खिलाफ हम लीगल नोटिस देंगे, अमेरिका में लड़ेंगे, ये सब बकवासबाजी बंद होनी चाहिए। आज तक लीगल नोटिस नहीं गया उसको, अगर आप पाक साफ है तो उससे कहिए ना कि आप गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं अडानी लीगल नोटिस भेजता है? अडानी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, बीजेपी तमाम स्टेटमेंट देगी, बीजेपी उसको बचाएगी, क्योंकि पैसा बीजेपी के नेताओं का ऐसा प्रतीत होता है कि नोटबंदी का और बीजेपी के नेताओं का है, इसलिए उनको अपने आप को बचाना है। पैसा किसका है, 20,000 करोड़ रुपए किसको पता, नोटबंदी में कितना काला आया, कितना पीला, कितना सफेद, किसी को पता चला आज तक? 1,000 का नोट 2,000 के नोट में कन्वर्ट हुआ और फिर 2,000 का नोट जो है वो स्क्रैप हो गया, क्या 2,000 के नोट कहीं गलत तो नहीं छप गए, ज्यादा तो नहीं छप गए? उस चोरी को छुपाने के लिए तो उसको स्क्रैप नहीं किया, ये तो जांच होगी तब पता चलेगा ना। आप नोटबंदी की जांच नहीं करेंगे, आप राफेल की जांच नहीं करेंगे, आप हिंडनबर्ग की जांच नहीं करेंगे, आप सेबी की जांच नहीं करेंगे, CBI का डायरेक्टर राफेल की जांच के लिए अगर बात कहेगा तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, उसको सस्पेंड कर देंगे। देश का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने,
और ये हमारे आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, टैक्स पेयर्स का पैसा है, किसानों को एमएसपी नहीं देंगे आप, लेकिन अडानी अंबानी के लाखों करोड़ आप माफ कर दें, क्योंकि उनसे, उनके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं, उनसे तमाम चीजों को खरीदते हैं, उनसे मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को खरीदते हैं, जो मीडिया का वर्ग हिंदू मुसलमान करता है, सारा दिन बैठकर धर्म की और जाति की बात करता है। तो दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कई बार उनके साथ ऐसा मिलता है कि वो उनके साथ हाथ मिलाए हुए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देश के लिए जागने का समय, यह हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन ने आज तक आंकड़ों का मिलान नहीं किया, नोटबंदी का पैसा एक साल के बाद आंकड़े आए थे जब गुजरात और उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो गया, 10 लाख का एक चेक लगता है, 100% कंप्यूटराइज ब्रांच है, शाम को अकाउंटेंट को अपना अकाउंट क्लियर करके जाना पड़ता है, 2 रुपए भी ऊपर नीचे है तो मिलान करके जाना पड़ता है, लेकिन आंकड़े आने में 1 साल लगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान का कोई लिंक था, नेपाल का कोई लिंक था, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है सबसे भ्रष्टतम सरकार है और देश के प्रधानमंत्री आज तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री, जो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर झूठ बोलते हैं। 15 अगस्त को अभी कहा वन नेशन वन इलेक्शन, और 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन इसके विपरीत कदम उठाता, 2 राज्य जो पिछली बार 7 चुनाव हुआ था उनको, महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया जाता, कोई बाई इलेक्शन नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री एक सिस्टमैटिक वे में लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था हो, हमारी साइकोलॉजी हो, सबके साथ वो खिलवाड़ करते हैं अपने झूठ के माध्यम से। ये देश के लिए बहुत गलत है। नहीं, बीजेपी डरी हुई है पूरी तरह से, बीजेपी को लगता है तमाम राज्यों में इकट्ठे चुनाव करेंगे, हम सब जगह तो हार ही रहे, शुरुआत यहां से करके देखते हैं, कपटी राष्ट्रवाद नकली हिंदुत्व को परोस के देखते हैं, धारा 370 पर तमाम झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और चुनाव साथ न करा के उन्होंने पहले चरण में ही अपनी हार स्वीकार कर ली। डायरेक्शन पे नहीं, डायरेक्शन छोटा शब्द, इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से पूछ कर कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव का कौन सी डेट होगी बीजेपी के लीडर्स को पहले ही पता था, इलेक्शन कमीशन को हजारों कंप्लेंट गई, इस चुनाव में 1 का रिजल्ट नहीं है, कर्नाटक चुनाव में 52 सीरियस कंप्लेंट थी हमारी, 1 का जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, सब देखिए ना किस तरह से गड़बड़ झाले से होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाता, 7-7% वोट बढ़ जाता है, हर घंटे आप लोग मीडिया पे चलाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, 11 बजे तक इतने परसेंट पोलिंग हो गया, और उसके बाद 11 दिन के बाद आंकड़े आते हैं और 7-7% वोट बढ़ जाता है, क्या है ये सब। फिर आप मिलान करते हैं कंप्यूटर पे, आप ही की वेबसाइट पे अलग अलग आंकड़े आते हैं, एडीआर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या है, 5 लाख वोट कहीं कम है कहीं ज्यादा है। हत्याई हुई सरकार, ये सरकार चल रही है बैसाखियों पे, हत्याई हुई सरकार जिसमें तमाम जांच एजेंसियां और इलेक्शन कमीशन शामिल है। देखिए 2-3 चीजें हैं, 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव हो रहा, बीजेपी अभी भी चुनाव नहीं चाहती थी, वहां 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 2024 में हो रहा है, वो भी इसलिए कि 30 सितंबर की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। वैली में लोकसभा 3 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ी, भाग गई। लेह लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, बीजेपी को 22 में से 2 मेंबर जीत पाए उनके केवल,
बुरी तरह से हारे। लेह लद्दाख जो बीजेपी के सांसद थे आज वहाँ वो भी हारे, इनफैक्ट वो आज कांग्रेस की तरफ से जीते। कश्मीरी पंडितों की बुरी हालत इन लोगों ने कर दी। आज हालत यह है कि जो वहाँ पर शिविर है जिनमें कश्मीरी पंडित भाई रहते हैं, पहली बार हुआ कि उनमें राशन भी खत्म हो गया। उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, उनको बंद कर दिया तालों में। पहली बार हुआ कि 5,000 के करीब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी, वैली में गए जो वो लोग सब तमाम लोग वापस आए। पहली बार हुआ कि जिस तरह से पीडीपी के साथ सरकार बनाई, 2.5 साल इंटरनेट बंद रहा। आज पता कीजिए आप मीडिया के साथ ही, एनआईटी श्रीनगर में कितने बच्चे पढ़ते हैं। बनाया हमने था एक योजना थी उड़ान योजना, जिसमें वहां के बच्चे पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ते थे। आज पता कीजिए कितने बच्चे पढ़ते हैं। हमने जम्मू कश्मीर को एक बुरे दौर से निकालकर हम लेकर आए। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की और कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर केवल और केवल नमक छिड़कने का काम किया वोट के लिए। धारा 370 हट गई। मैं तमाम मीडिया के साथ यहां बैठे, मुझे एक कागज दिखा देना कि धारा 370 हट गई। मैं एक घंटा यहीं चंडीगढ़ में हूं अभी, और गूगल पर सर्च करना उस ऑर्डिनेंस को, मिलेगा नहीं आप लोगों को। आपने धारा 370 में दो बदलाव किए। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। पहला चेंज था कि जो असेंबली है उसको रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। दूसरा चेंज जो था कि 1949 का जो ऑर्डिनेंस था वो निरस्त, नाम भी नहीं है 35A का। उसमें यह है कि भाई आप जमीनें खरीद सकते हैं, वोट डालने की बात थी, दलित भाइयों का कुछ था। अरे भाई इससे बड़े बड़े तो हमने 36 चेंज किए। दो प्रधानमंत्री होते थे वहां, पंचायती राज नेता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंकरेंट लिस्ट, पता नहीं कितने बड़े बड़े हमने बदलाव किए। हमने तो कभी नहीं कहा कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया, लेकिन क्योंकि राजनीतिक फायदा लेना था, अब जवाब देना पड़ेगा। धारा 370 हटने के बाद पिछले एक साल के अंदर ये अगर आप देखें तो 2 दर्जन के करीब आतंकी हमले हुए। कौन जिम्मेदार है? आप तो नारा ही देकर आए थे ना, मर जवान भाइयों बहनों मित्रों, मर किसान, यही नारा था ना मोदी जी का। अब वो जो जवान मर रहा है, शहीद हो रहा है वहां पर, उसकी शहादत का जिम्मेदार अब कौन है? अब तो आपकी सरकार केंद्र में भी है और वहां पर भी है। 150-150 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे, आपने ईडी सीबीआई उसी पे लगा दी जो विसल ब्लोअर था सतपाल मलिक, उसी के ईडी सीबीआई भेज दी। आज जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि इससे बुरा दौर हमने कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार के मामले में भी ना वो पंचायत है, ना एमएलए है, ना कोई वहां पर ब्लॉक कमेटी है, कोई नहीं, केवल और केवल बीजेपी के कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। आज उनको जवाब देना होगा। दूसरों को बदनाम करके, भाइयों बहनों मित्रों, बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार, आप शगुफे छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके आपने सरकार बना ली, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 50 साल से आप फारूक अब्दुल्ला जी से, उनके परिवार से लड़ रहे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री थे, ठीक है नहीं थे? फिर पीडीपी से आप लड़ते आए, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार में आए तो पीडीपी के साथ आए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया तो पहले पेज पे तीसरा पॉइंट धारा 370 को मजबूत करेंगे हम। था कि नहीं था उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? तो ये जो दोहरा चरित्र है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का उजागर हो गया है, और ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक है जो इनका एक दोहरा चरित्र है। जो ये बड़ी सफाई से मोटी खाल वाले झूठ बोल के चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी, अलायंस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और बीजेपी का हम सूपड़ा साफ कर देंगे वहां पर।
थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।